Show. What's up, everybody? It's your Roger and welcome back to a new Minecraft video. So, guys, आज हम लोग दोबारा से माइनक्राफ्ट खेलने वाले। उससे पहले आप लोग जो पीछे कुछ देख पा रहे हो ना, ये मैं एक चीज बता देता हूँ कि आज हम लोग कुछ स्पेशल करने वाले हैं। मैं बता देता हूँ, आज हम लोग ऐसे वर्ल्ड में खेलने वाले हैं जहाँ पर मस्ती में मैंने उसको मतलब फालतू में से मजाक में बनाया था एंड मैंने अभी उस पे मैं परमानेंटली शिफ्ट हो चुका हूँ। तो मैंने सोचा भाई गोल्डलैंड्स तो मैं बहुत टाइम पहले छोड़ ही चुका हूँ, तो इससे अच्छा मैं इसी वर्ल्ड पे काम कर लूँ। तो गाइस एंड इस वर्ल्ड पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल लाइक वाला बटन या सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। लेट्स बिगिन द वीडियो। So guys, यार अभी हम लोग गेम में आ चुके हैं और भाई आज हम लोग खेले माइनक्राफ्ट विद आरटीएक्स। और भाई जैसा आप टेक्सचर से देख पा रहे हो और टेक्सचर देख के समझ ही चुके होंगे भाई क्या खेल रहे हम लोग। तो आज हम लोग खेले माइनक्राफ्ट विद आरटीएक्स ग्राफिक्स। तो आज हमारा सबसे बड़ा गोल ये है कि भाई अभी मैं खाना कुक कर रहा था और मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने अपना फार्म बनाया था, बट वीडियो में बनानी चाहिए तो वीडियो तो क्रैश हो गई, मतलब ओडेसिटी की नाकामी की वजह से, बट फिक्स हो जाता है ये सब कुछ। और ये और गाइस ये जो हम मतलब टेक्सचर पैक यूज कर रहे हैं एंड एक मिनट आ, तो गाइस मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, और ये जो मैं टेक्सचर पैक यूज कर रहा ये है पैट्रिक्स 128x या 32 वाला था, बट वैसा ही कुछ था। अबे यार भाई मैं यही चीज तो दिक्कत होता RTX पे गेम प्ले करने का। चलो अभी गाइस दो मिनट क्या भाई, मेरे को जब तक ठीक होता है ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। एंड जिन लोगों ने मैंने वीडियो के इंट्रो में बोल दिया भाई जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो यार, ताकि ऐसे वीडियोस रेगुलर आ जाए। और मेरे एग्जाम चल रहे तो आई एम बैक एंड लेट्स गेट इनटू द माइनक्राफ्ट। क्या हो गया ब्रो, चलो तो लेट्स गेट इनटू द माइनक्राफ्ट। है तो माइनक्राफ्ट में चलते हैं। उससे पहले जो फालतू चीजें मैंने करके रखे हैं वो मैं फिक्स कर लेता। तो सबसे खतरनाक आज हमको ये करना है भाई, मेरी पता नहीं फिसल क्यों रही जवान है। हाँ तो गाइस सबसे खतरनाक काम आज हमको ये करना है कि भाई ये जो फार्म है इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना है, बिकॉज मैंने जो वीडियो में थोड़ा सा बनाया था और वीडियो तो ऐसे फालतू में बिल्कुल फालतू में गई है और मेरे को गुस्सा भी आ रहा है उस चीज के लिए, बट क्या कर सकते हैं, जैसे जाते हैं वैसे जाते हैं। तो बट चलो जैसे जाने दो भाई, हम न्यू से वीडियो में शुरुआत करें भाई, मेहनत करेंगे अभी देखते हैं कितने मेहनत करते हैं। रुको जल्दी तोड़ भाई 5 साल लगा मत देना, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं इतना फ्री बैठा हुआ है, मेरे को आज बैड वर्स भी खेलना है, प्रैक्टिस करना है और ऊपर रूम थोड़ा सा बन चुका है एंड सेटअप थोड़े दिन में ऊपर जाने वाले हैं, लेकिन उधर जब चला जाएगा तो स्ट्रीम्स रेगुलर आ जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऊपर अगर चला गया तो स्ट्रीम्स रेगुलर करना ही पड़ेगा, बिकॉज उधर तो मतलब नेट की बारिश होती है। बाद में बताता हूँ, उससे पहले मैं फार्म वाला काम कंप्लीट कर लेता हूँ। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा हो गया काम कंप्लीट। इसको डालो इधर एंड लेट्स गो। थोड़ा सा तो कंप्लीट हुआ है, बाकी का देखते क्या करते हैं, बट इसको डालो इधर कुछ अटैक से हो गया। रुको भाई रात को माइनक्राफ्ट में निन्नी करता, आरटीएक्स पे खेले कि गॉड आर्मर के साथ खेले, जिसके साथ भी खेले, अगर मैं मेरे पास एक पावरफुल आयरन मैन का मॉड भी लाकर बैठा हुआ ना, मैं फिर भी रात को माइनक्राफ्ट, बिकॉज यार मेरे को मतलब ऐसे जब ऐसे रात हो जाती है ना ऐसे ही ब्राइटनेस कम है और फालतू में ऐसे दिक्कत देता है वो ज़ॉम्बीज का, तो हाँ इसीलिए अगर मैं कोई भी मॉड लगा भी खेल रहा फिर भी भाई मैं रात को नींद नहीं करता, ठीक है, बिकॉज भाई माइनक्राफ्ट का रूल है ये,
वसूल नहीं है, रूल है, सॉरी। यार अभी अभी इसको क्या है भाई, मैं लिटरली मैं परेशान हो चुका हूँ। बस दो घंटे से यही चीज मैं करके बैठा हूँ भाई, ये फिक्स ही नहीं हो रहा। देखो अभी मैं क्या करूँ बताऊ। चलो अभी कुछ तोड़ निकालते हैं, मेरे पास इंडियन जुगाड़ है, रुको निकालते हैं इंडियन जुगाड़। और आपको जो लग रहा है कि मैं कैमरे पे शूट कर रहा, तो मैं दिखा देता हूँ कि मैं कैमरे पे शूट नहीं कर रहा। इसीलिए प्लीज वीडियो में ये कमेंट नहीं आना चाहिए कि भाई बंदा कैमरा कैसे उठा है, ठीक है? तो ये देखो मैं लिख रहा हूँ, हेलो हेलो व्हाट्सअप गाइस। मैं काम करता यार, मेरे पास इंडियन जुगाड़ है, तो मैं मस्त वाला इंडियन जुगाड़ लगा। पहले रेंडर को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, एंड यस यस इट इज ओपी। अभी अगर मैं कुछ करूँ तो अभी स्मूथ चल जा, प्लीज 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 लेट्स गो स्मूथ चलिए। चलो भाई इसको कहते हैं इंडियन जुगाड़, इंडियन जुगाड़ भाई, इंडियन जुगाड़। आईटीएक्स पे इंडियन जुगाड़ लगाने पड़ रहे, बट चलो चलता है थोड़ा सा। तो कभी भाई माइनक्राफ्ट में जुगाड़ यूज करने पड़ता है, जुगाड़ के बिना कुछ काम होता ही नहीं। चलो अभी डालते हैं सीड, और मेरे को अपना फार्म थोड़ा सा ज्यादा ग्रो करवाना है, तो इसीलिए 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाई रिफ्लेक्शन देखो यार, मेरे को माइनक्राफ्ट में आरटीएक्स जब भी खेलता है ना, मैं रिफ्लेक्शन की यार तारीफ की इतनी कितनी तारीफ करूं भाई, मतलब मैं तंग आ जाता हूँ। देखो मैं बता देता हूँ कि अगर मैं माइनक्राफ्ट में आरटीएक्स खेलूँ ना, एक बार मैंने खेला था सबसे फर्स्ट टाइम, वो भी शैडर्स के साथ, मेरे को लगा भाई वो आरटीएक्स है। तो मैंने शैडर चेक किया और मेरे को भाई लोगों ने मेरे को चूना लगा दिया, वो सिल्डूज वाइब्रेंट का एक मीडियम शैडर था, और अभी तक वो शैडर मैंने डाउनलोड करके रखा, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ काम है कुछ, मतलब मैं कभी कभी यूज कर लेता, लेकिन वो भी मस्ती शैडर है। बिकॉज देखो शैडर और टेक्चर पैक में डिफरेंस कुछ ऐसा नहीं होता, बस हर एक का हुलिया अलग होता है। जैसे कि अभी जो पैट्रिक्स वाला टेक्चर पैक है कंप्लीट बेस्ड है, पूरा कंप्लीट है। जैसे कि ये वाला जो आप मैं प्रमोट ही कर रहा, ये वाला जो टेक्चर देख रहे हो, ये पूरा कंप्लीट है। देखो ये देखो भाई पूरा कंप्लीट है। और अगर आपको गाइस पैट्रिक डाउनलोड करना है, ये लो एंड पीसी वाला भी टेक्चर है, लेकिन एक चीज बता देता हूँ कि लो एंड पीसी मतलब ऐसा नहीं कि भाई एकदम इंटेल डायरेक्ट लेके आ गए, इंटेल 100, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसके लिए आपको जीटीएक्स तो चाहिए, मैक्सिमम चीजें जीटीएक्स चाहिए भाई। अगर जीटीएक्स नहीं है तो सॉरी ब्रो, ये टेक्सचर पैक आपके लिए नहीं है। लेकिन आप यूट्यूब में सर्च करें देख सकते हो, कस्टम आते हैं ऐसे टेक्सचर पैक्स। जैसे कि मेरा वाला कस्टम नहीं है, मेरा पैट्रियन दे के भी नहीं खरीदा है। एक रिसोर्स पैक्स नाम का वेबसाइट है, जिन लोगों के पास हाई एंड पीसी है ना, मतलब एकदम ओपी लेवल वाला पीसी है, मैं पैट्रिक्स का जो आपको जो वाला लिंक चाहिए मेरे को बताना, मैं उसका लिंक आपको डायरेक्ट तो नहीं, मतलब भाई यूट्यूब पहले ही टर्मिनेट नहीं सॉरी लिंक्स हटा रहे हैं, और कभी कभी ऐसे वीडियोस पे कॉपीराइट भी मार देते हैं, तो गाइज मैं थोड़ा सा सेफ हूँ, बट मैं लिंक तो नहीं डालूंगा। लेकिन बस आपको मैं बता दे, अगर आपको ये टेक्चर पैक चाहिए तो आप ये पैट्रियन से लेना पड़ता है सब कुछ, बट आप अगर बिना पैट्रियन के लेना चाहते हो तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, करना चाहते तो करो, मजाक करो, जल्दी से गूगल खोलो और क्रोम में सर्च करो रिसोर्स पैक, ठीक है, उधर आप सर्च करो पैट्रिक्स, या जो टेक्चर पैक चाहिए जैसे कि नैप चाहिए या एमसोमिया चाहिए, तो उधर सर्च करो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपको कैली आरटीएक्स चाहिए बेडरॉक एडिशन का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन कैली आरटीएक्स के लिए बता देता हूँ, ये माइनक्राफ्ट जावा एडिशन नहीं है कि भाई कोई भी टेक्चर पैक चला दो किसी भी पीसी में, ठीक है, वो सिर्फ आरटीएक्स वाले पीसी में चलता है वो। यार आप लोग पता है इतना डिटेल देने की मेरे को जरूरत नहीं है, और ये मैं इसीलिए इतना ज्यादा डिटेल दे रहा बिकॉज भाई वीडियो के लेंथ का सवाल है। ये देखो भाई यार कुछ समझ रहे हो ना भाई, एडिटर जी प्लीज कुछ
कट कर देना, मतलब मत करना भाई, फालतू में से टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये काम हो गया। और गाइज यार एक चीज मैं बता दूं कि RTX पे जब भी हम खेलते हैं ना, तो ये देखो टेक्चर, देखो देखिए ये पैट्रिक्स कंप्लीट बेस टेक्चर पैक है, और इसका आप ये देखो बस, उधर देख के बंदा बोलेगा भाई ये टेक्चर पैक ओपी है, खतरनाक है, गजब है, इसको ही लगा लो बेटे, कुछ देखना ही नहीं है, हुलिया वुलिया बस लगा लो। लोग ऐसे ही लगा लेते, बट आई डोंट रिकमेंड कि यू ट्राई टू लो एंड पीसी, बट अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल है देखो। और ये जो एक डायमंड आपके आया है, ये बहुत बड़ी कहानी है, रिवाइज में बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, क्लिप्स पर हुआ है, बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अभी ये डायमंड रखते हैं। और अभी हमको एक दिन डायमंड की माइनिंग करने भी जानी है। जिस दिन मैं डायमंड की माइनिंग करके डायमंड की पिकैक्स फेंक के आ गया ना, उस दिन मैं बताऊंगा भाई माइनक्राफ्ट कैसा होता है, ठीक है। मतलब मैं मेरे साथ एक बार हो चुका है, बट ये वाले वर्ल्ड पे नहीं, पुराने वाले वर्ल्ड पे। अभी भाई अभी हम माइनक्राफ्ट के प्रो प्लेयर है, गॉड, मतलब इतने ज्यादा गॉड नहीं है। और इस सर्वाइवल वर्ल्ड में हम क्रिएटिव यूज नहीं करेंगे। अगर मैंने इस सर्वाइवल वर्ल्ड में क्रिएटिव यूज किया तो चैलेंज देता हूं, आई डिलीट माय माइनक्राफ्ट अकाउंट सीधा सीधा और न्यू अकाउंट क्रिएट करूंगा, लिटरली बता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर मैं क्रिएटिव कर रहा इस वर्ल्ड में तो मैं डायरेक्ट माइनक्राफ्ट अकाउंट डिलीट कर दूंगा, जो भी बनाऊंगा सर्वाइवल में, एंड खत्म। अगर मैंने चीटिंग किया, मतलब रिसोर्स पैक की बात नहीं कर रहा, एक्सरे वो सब नहीं, लेकिन माइनक्राफ्ट अकाउंट डिलीट इसलिए करूंगा बिकॉज मैंने क्रिएटिव यूज की, ठीक है। चलो अभी बातचीत हो गई इतना ज्यादा। और गाइज ये जो रेड है ना, ये बहुत बड़ी कहानी है, पिछली वाली वीडियो का पार्ट में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब भाई रेडर को कमी नहीं है। ये देखो जूम भाई, एडिटर नहीं, एडिटर कैसे जूम करेगा, मेरा थूपरा उधर जूम परा हुआ है, तो एडिटर जूम कैसे करेगा, बट ठीक है जैसे भी है। बट एडिटर तू अच्छा एडिटर है ना, प्लीज तो जो पार्ट में कट करने बोलते प्लीज कट कर देना प्लीज, ठीक है यार, बेइज्जती हो जाएगी वरना, ठीक है, कुछ कट कर देना जो पार्ट्स नहीं चाहिए भाई ये मैं और गाइस आपको पता है मेरा एडिटर कितना बेइज्जती नहीं कर रहा है। एडिटर पहले मैं बता दे, तेरी मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन सुन ले मेरी बात, ठीक है, मैं तेरी बेइज्जती नहीं कर रहा, बस एक छोटा सा रोस्ट बनता है। गाइस मैं अगर अपने एडिटर को बोलूं कि ये वाला पार्ट कट कर दे, तो वो मीम डाल देता है भाई, और वो मेरे को भेजता है, और उसके बाद मैं बोलता भाई डिलीट कर फटाक से। अरे भाई क्या गधा बंदा, अगर मैं वो वीडियो डाल दूं यूट्यूब पे तो क्या हाल होगा मेरा खुद नहीं पता भाई, मैं एकदम खत्म ब्रो, खत्म, एकदम गदर वाला खत्म हो जाऊंगा। और अगर आपको मेरे माइनक्राफ्ट के स्टैटिक्स देखने तो मैं दिखा देता हूँ मैं कितना प्रो बंदा हूँ। लोड रहा है, लोड हो चुका है, रिट्रीविंग, ये है मेरे माइनक्राफ्ट के ठीक है, एनिमल ब्रीड, अच्छा, बैनर्स क्लीन, बैरियर्स ओपन, ये सब क्या है भाई, अबे इलाइट्रा, अच्छा मैंने इलाइट्रा चले, गाइस ये ध्यान मत दो इतना, ठीक है, मैंने इलाइट्रा नहीं चले, आपको लगा भाई इलाइट्रा दिख गया, बंदे ने क्रिएटिव यूज किया, अभी क्या अभी माइनक्राफ्ट डिलीट मार, अभी क्या अभी वीडियो दे छोड़ के जा रहे, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। मैं अगर बोल देता कि भाई चीटिंग नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, बस सीधी सीधी बात है भाई। और मेरे को गाइस मेरे को कमेंट्स में बताओ कि बिना गाय का दूध से ये रेडर वाला कैसे आता है। एक ऑप्शन है मर जाओ सब कुछ हट जाएगा, लेकिन मैं अगर मर गया सामान जाएगा अलग, डायमंड की पिकैक्स, और आप लोग भाई बंदा सोच रहे भाई चेस्ट में सामान डाल के मर जा क्या चला जाए, एक्सपी तो है ना भाई, इतनी मेहनत से एक्सपी कमाई है क्या भाई, ऐसा है नॉर्मल माइनक्राफ्ट थोड़ी ना, अगर मैं मरा तो भाई गंदा वाला एकदम ऐसे जिंदगी एकदम ऐसे झंड माइनक्राफ्ट में जिंदगी झंड हो जाएगी, बिकॉज एक्सपी इतनी मुश्किल से मिला ना मैं बता नहीं सकता, तो भाई मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। और
वीडियो का लेंथ देख के पता करते 14 minutes, let's go। और आए तो भाई थोड़ा सा तोड़ बोर के जाएंगे, लेकिन नहीं उग गया ना ये चीज भाई, नेक्स्ट वीडियो में तोड़ेंगे ठीक है, अभी तोड़ के फायदा नहीं है। बट गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा एक बड़ा सा फार्म बनाएंगे, उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा सीड्स चाहिए होंगे, बट क्या कर सकते हैं, बट ठीक है। लेकिन हाँ नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बड़ा सा फार्म नहीं बनेंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में हमको ग्राइंड कर रहे हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज हमारा मतलब गोल सबसे बड़ा ये है कि भाई एंडर ड्रैगन को कुछ भी हो जाए जल्दी से जल्दी खत्म कर देना, एकदम खल्लास बंदा खत्म। बंदा सोचेगा भाई आया बंदा कहाँ से आया, बंदा कहाँ से चला गया, ठीक है वो जल्दी जल्दी एंडर ड्रैगन को मारना है। मेरे को डायमंड आर्मर की बहुत जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी, बट मैं कुछ जुगाड़ होगा लगाता है। एंड एक न्यू SMP आ रहा है गाइस, तो अगर आप वो न्यू SMP जानना चाहते हो तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो। एंड आज की ये वीडियो पर साइड से यही पेंड करते हैं भाई, मजा आ गया मेरे को माइनक्राफ्ट खेल के। और अगर आप चाहते हो कि मैं माइनक्राफ्ट वो भी फुल RTX गेम प्ले के साथ खेलूं, मेरे को मजा आता है यार, मेरे को माइनक्राफ्ट RTX पे मजा आता है। और अगर आप चाहते हो और न्यू टेक्सचर पैक ट्राई करो, इस वर्ल्ड में नहीं कोई अलग वर्ल्ड में, जैसे कि आप बोलते हो भाई तू बेडरॉक एडिशन में कल ही RTX लगा, तू माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में नाप यूज कर एक क्रिएटिव वर्ल्ड में, और उधर तू TNT नहीं सॉरी उधर तू एंडर ड्रैगन को मार के दिखा, वो मैं कर दूंगा। और बैडवर्स की वीडियोस भी प्लान कर रहा मैं, मतलब स्ट्रीम्स के प्लान कर रहा मैं। देखो मैं बता देता हूँ गाइस, मैं आपको एक चीज बता दू, मैं जब भी बैडवर्स प्लान करता ना, जब भी मैं बैडवर्स खेलता, अपना जो ये वाला बटन है ना जंप जंप ऐसे रहता है, स्टिंग ऐसे रहता है, कभी कभी स्नीक को मैं वी पे कर देता, अभी शिफ्ट पे रहता है, और ये अटैक एंड डिस्ट्रॉय को मैं कर देता आर पे, बिकॉज अगर मैं इसको आर पे कर दूं, इस पे मेरा फायदा है क्या है मैं बता देता हूँ। अगर मैं आर मतलब माइनक्राफ्ट में, जैसे कि आप कोई कीबोर्ड वाला बटन बहुत जल्दी दबा सकते हो, जैसे कि अभी मैं माउस से चला रहा और इतने तेज क्लिक नहीं होता, ठीक है। अगर आप कोई खतरनाक वाला माउस भी ले लोगे और अगर आप कीबोर्ड से क्लिक करोगे वो भी माउस से 10-20 गुना, अगर अच्छा कीबोर्ड है तो भाई खत्म ब्रो, टेंशन की बात ही नहीं अगर अच्छा कीबोर्ड है तो, बट अगर अच्छा कीबोर्ड नहीं है तो डोंट ट्राई, मैं ट्राई कर नहीं बोलता कीबोर्ड के साथ। बट गाइस बैडवर्स की भी वीडियोस मैं बनाने का सोच रहा, प्लान तो है मेरा लेकिन बनाएंगे, बट भाई माइनक्राफ्ट यार बाय बाय तो बोल दे लोग इसको घंटे के, अगर मैं इसको मतलब लिटरली यार ये उसका दिक्कत है मेरे को फ्री फायर मैक्स अच्छा डिलीट करना पड़ेगा थोड़ी देर में, मतलब आप लोग सोच रहे हो भाई बंदा पागल हो चुका है, बंदा भाई फ्री फायर मैक्स डिलीट करने की बात कर रहा है, फ्री फायर बैन हो चुका है बंदे को पता नहीं है, भाई पता है इसीलिए तो बोला फ्री फायर वो मतलब क्या बताऊंगी, इसीलिए तो बोला भाई माइनक्राफ्ट फ्री फायर मैक डिलीट करना, बिकॉज जब से मैंने फ्री फायर मैक डाउनलोड किया मैंने एक चीज नोटिस किया भाई, फ्री फायर मैक बैकग्राउंड में चलता रहता है और एमुलेटर के साथ ये माइनक्राफ्ट को नशे करके बैठा हुआ है, तो कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बट वीडियो तो मस्त से चलती है, और अगर आप चाहते हैं कि वो जो SMP की वीडियो में बात कर रहा वो भी मैं इसी मैं शेव कर लेता वर्ल्ड को, वरना पता चला भाई नूप की तरह एकदम गंदा वाला पिट गए मतलब बताता हूँ रुको, बड़ी कहानी है। मैं माइनक्राफ्ट में जब ऐसे टाइम पास करता ना तो कभी कभी मैं एक बार इसी वर्ल्ड में गलती से क्या भाई 2-3 बार मर चुको, और ये सर्वाइवल वर्ल्ड है तो मैं क्रिएटिव नहीं करता। तो चलो गाइस भाई खत्म करते हैं आज की ये वीडियो, बहुत बातचीत हो गई। एंड न्यू वाली जो मैंने बताया मतलब SMP वो रिवील कर दे, क्या बताओ गाइस, रिवील करने का तो मन कर रहा है बट करेगी नहीं बताओ आप लोग है मतलब से, चलो कर ही देते हैं, आओ करते हैं शुभ शुरुआत माइनक्राफ्ट मल्टीप्लेयर के साथ, आज नहीं ठीक है अभी ज्वाइन नहीं करूंगा मैं। ये है वो SMP जो मैं 1 साल पहले प्लान किया था, सब कुछ किया था, स्टोरी बेस्ड किया था, सब कुछ प्लान किया था, ये है वो SMP। अगर आप इस पे बहुत कुछ मजे चीजें होने वाले हैं
और इस वर्ल्ड में सिर्फ अभी मैं अकेले खेलने वाला, और इसकी मेरे को वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। तो खत्म करते हैं आज की ये वीडियो यहीं पे भाई, बहुत ज्यादा टाइम हो गया और मेरे को एडिट भी करना है। एडिटर जी जो पार्ट घटिया, मतलब क्या बताऊं, जो पार्ट घटिया हुआ है प्लीज कट कर देना, रिक्वेस्ट करता, वरना मैं भाई वीडियो खत्म करते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं इस वीडियो पे एम कर रहा टोटल 39 लाइक्स का, 39 लाइक ज्यादा हो गया, नहीं सोरो, इस बार हम गोल कायम नहीं करते, ठीक है, इस बार कुछ तगड़ा आयम करते। सपोर्ट इक्वल टू न्यू वीडियो, मतलब समझा देता हूँ, अगर सपोर्ट अगर तगड़ा आ गया एकदम ओपी, एकदम एक ही दिन में एकदम भाई 50 व्यूज 60 व्यूज, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई डायरेक्ट सीधा सीधा बता रहा हूं, वीडियो ऐसा ही बना दूंगा, ऐसा नहीं बनती है, ठीक है, बहुत मगजमारी करनी पड़ती है। और खत्म करते हैं आज की ये वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।